कपड़ों के रंग को लेकर के विवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात है, पहली तो बात ये है कि वो पठान नाम से विवाद हुआ है, हिंदू लोगों की भावनाएं आहत। अब हमारे तिरंगे में तो तीन कलर है ना, उसमें हरा भी है, भगवा भी है, सफेद भी है, तो क्या हम इसको क्या समझेंगे इसको? नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्लोबल कॉलेज में, और पिछले दिनों से पठान मूवी के गाने बेशरम रंग को जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर के हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज पर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, हमारा नाम आयुष पाठक है और हम फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र हैं यहाँ पर। तो जो ये पठान मूवी रिलीज हो रही है शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण स्टारर, तो इसके एक गाने बेशरम रंग को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। हाँ। उस विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? फालतू का विवाद है और कुछ नहीं, मतलब बॉलीवुड का बॉयकॉट चल रहा है तो इसी वजह से ज्यादातर ये सब होता रहता है। विवाद है किस बात पर? पहली तो बात है ये है कि वो पठान नाम से विवाद हुआ है, हिंदू लोगों की भावनाएं आहत हुई। और दूसरा केसरिया रंग। हाँ, तो कपड़ों के रंग को लेकर के विवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गलत बात है किसी भी कपड़ों के रंग को लेके विवाद होना। मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश के एक नेता हैं जयभान सिंह पवैया, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर दीपिका को सजाना ही था तो हरे रंग के कपड़ों से सजाना चाहिए था। इस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? हम बढ़िया है, सजा दो, बढ़िया लगेंगी उसमें भी। मतलब भगवान ना पहने हरे हरा रंग पहना जा सकता है? कलर से कुछ ही नहीं है, कलर 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 होता है भैया। अब कलर कोई धर्म को डिफाइन नहीं करता है। अब ये फालतू में लोग समझ के रखें कि भगवा हिंदुओं का है और हरा मुस्लिमों का है। अब हमारे तिरंगे में तो तीन कलर है ना, उसमें हरा भी है, भगवा भी है, सफ़ेद भी है, तो क्या हम इसको क्या समझेंगे इसको? और इससे पहले भी कई सारे ऐसे गाने रहे हैं जिनमें तिरंगी सीन अपनाए गए हैं और उसमें भगवा कलर के कपड़े पहने गए हैं। कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार की भी एक गाने में ऐसा है। हजारों ऐसे गाने होंगे जो भोजपुरी में केसरिया पहन के फिल्माए गए हैं, लेकिन उन पर विवाद नहीं हो रहा है, इस गाने पर विवाद हो रहा है। क्या बता रहे हैं आपको, मुख्य रूप से इस मूवी के नाम की वजह से विवाद हो रहा है। इस मूवी का नाम है पठान और शाहरुख खान जी वैसी पठान है, इस वजह से हमें लग रहा है कि विवाद हो रहा है। मतलब इसका आधार कहीं ना कहीं पठान से जुड़ा हुआ है, इसका पूरा आधार। अगर इसकी जगह पर अक्षय खान होते इस मूवी में तो फिर क्या होता? अक्षय कुमार होते तो क्या होता? अक्षय कुमार होते तो पिट जाती मूवी। अभी पिटा ही रही है उनकी मूवी। नहीं, मतलब तब भी ये भगवा कलर को लेकर विवाद होता या नहीं होता? क्योंकि शायद ना होता, उतना ना होता, डिपेंड करता। नहीं, उतना ना होता, डिपेंड करता। नहीं जी, शाहरुख खान की वजह से ज्यादा विवाद हो रहा है। अच्छा, शाहरुख खान की वजह से और मूवी के नाम पठान होने की वजह से पठान विवाद हो रहा है। और इसका आधार या इसकी कितना महत्वपूर्ण है ये विवाद, होना चाहिए नहीं होना चाहिए सीधे शब्दों में? नहीं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसको बर्बाद करने वाला है क्योंकि हमारे देश में सारे धर्म रहते हैं एक साथ। आपका क्या नाम है? रुपेश काची। तो ऐसे जो लगातार विवाद होते रहते हैं, उन विवादों पर क्या कहना चाहेंगे? हम ध्यान ही नहीं देते विवादों पर। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। अपने इधर पे लगे रहते हैं। हमारे देश को एकता का माना जाता है हमेशा से, कि सारे धर्म एक साथ रहे हैं, तो ये सब जो विवाद हो रहे हैं गलत है।